रूही जी अम्मी। ये देखो, वलीद के बाबा ने 25-30 साल पहले मुझे बनवा के दिए थे ये टॉप्स, पता नहीं किस मौके पे दिए थे। ये देखो बहुत प्यारे अम्मी। है ना, मैंने आज निकाले। तकबीर थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ना तो उसके कान छिदवा के उसको पहना दूंगी, बहुत प्यारी लगेगी। फूफो जान देखिए और बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हूँ, बहुत प्यारी। अच्छा अम्मी, हम जा रहे हैं, देर हो रही है। अरे रुको तुम दोनों, मैं नजर तो उतार लूं। बेटा ये तुम्हारा लॉक लूज हो रहा है, इसको जरा टाइट कर लो, ये गिर ना जाए। वरीद इसको प्लीज फिक्स कर दे, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ से, लूज हो रहा है। ठीक है चलो चलो। मेरे पास फरीद के सिवा कुछ नहीं। मच्छी हो उसको मुझसे बताओ, हमारे घर में अगर तुम्हारी इस बात का मतलब ये है कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में इस घर की चौखट लिखी है और अब मेरी मौत है मुझे इस घर से बाहर निकाल सकती है। देखो रूही, मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि वलीद तुमसे दूर हो जाए, ना मैं ऐसा करूंगी। वलीद मुझसे दूर हो रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है और तुम उससे करती हो, तो क्या तुम्हारे प्यार में इतनी भी ताकत नहीं कि तुम उसे रोक सको? Thank you.
क्या हुआ? हाँ क्या हुआ है? सनी वली सुबह से 3-4 रुपया कर चुकी है, वॉमिट कर रही है, पता है आपको? बेटा इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ, लेके आओ जल्दी। ये मिल रही है? हाँ मिल रही। बेटा ये लोग इतनी देर से गए हैं, जरा फोन करके तो पता करो तकबीर की तबीयत कैसी है। जी नहीं उठा रहे। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने, कैसी तबीयत है अब इसकी? तनी अम्मी वॉमिटिंग्स पे वॉमिटिंग्स किए जा रही है, ये पिप भी सारा गंदा हो गया है। मुझे तो डॉक्टर्स पे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था, खून निकाल निकाल के देखे उसको कितना कमजोर सा कर दिया, हाथ की नस नहीं मिल रही थी उन्हें, हाथ नीला पड़ गया सारा। इतनी एहतियात करते फिर तकबीर की तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं अम्मी, मैंने तो उसको पेड़ पिला के सुला दिया था, आराम से सो गई थी, लेकिन उठते ही वॉमिट शुरू कर दी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने फीडर बॉईल किया था? तुमने बॉईल नहीं किया? ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है जो तुम उससे पूछ रही हो। तुम बताओ तुमने किए थे? माँ होने का दावा तो बहुत शौक से करती हो तुम, लेकिन अपनी बच्ची के लिए क्या क्या एहतियात करनी होती है जानती हो? सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची इस अजियत से गुजरी है, मैं फिर से ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम लाओ इसे, ये लो पकड़ो, अब से तुम्हें पकड़ रख रही हूं और किसी भी हाल में रूही के हवाले नहीं करूंगा। सब्जी जो चाल मेरे हाथ से निकल गई थी, रोही ने गलत खेल खेल कर एक बार फिर मेरे हाथ में दे दी। जी बेटी का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना है तुम्हें। आपकी बेटी मतलब? ये मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी भी है। इस तकबीर पिछले दिनों में बहुत अजियत से गुजरी है। आप परेशान ना हो, अब तो बहुत बेहतर है, 2-4 घंटों में और भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत टेंशन लिया मैंने, सर दर्द से फटा जा रहा है मुझे, एक कप चाय दे दोगी? आप फ्रेश हो जाएं, मैं इसके कपड़े चेंज कर दूं फिर चाय बना दूं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं किया अम्मी। एक माँ अपने बच्चे के मामले में कोई गलती, कोई लापरवाही कैसे कर सकती है? मुझे लगा इकरा फीडर, जब बच्ची तुम्हारे पास थी तो तुम्हारा फर्ज बनता था ना उसका ख्याल रखना। इकरा कोई उसकी आया तो नहीं है? मुझे माफ कर दे। इतने इंतजार के बाद, इतनी दुआओं के बाद, इतनी मुरादों के बाद वो पैदा हुई है, और दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज अपनी पोती है। अम्मी मैं कह रही हूं ना, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी भी नहीं होगा। बस अम्मी आप
वलीद से कहे कि इकरा से तकबीर को लेके मुझे दे दे। जिस तरह आज उसने उसकी तकलीफ देखी है ना, जैसे वो तड़पा है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी बात करना उससे मुनासिब है। तड़पी तो मैं भी हूं मम्मी, मेरा बस नहीं चल रहा था किसी तरह उसकी तकलीफ मैं ले लूं, मुझसे नहीं देखी जा रही थी उसकी तकलीफ। रूही तुम उसे अभी नहीं संभाल सकती, उससे गलती हो गई अम्मी, मैं मानती हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी औलाद को ना संभाल सके। और जब पहली दफा माँ बनती है ना अम्मी, और पहली दफा जब उसकी गोद में उसकी औलाद आती है, तो कुदरत खुद ब खुद उसको सब कुछ सिखाती चली जाती है। लेकिन मैं वो बदनसीब माँ थी कि जब मेरी गोद में मेरी औलाद आई तो मैं मौत के दहाने पर गई थी, फिर मेरी औलाद मुझसे लेके एक रही गोद में थी। मैं मानती हूँ इकरा ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसको बहुत प्यार किया, लेकिन अब मेरी तकदीर मुझे दे दे अम्मी। आप भी माँ है ना, सोच अगर आपकी औलाद आपसे लेके किसी और की गोद में दे दी जाए तो क्या गुजरेगी आप पे। मैं समझ सकती हूँ रोही, तकबीर को तुम्हारी गोद से लेकर उसे देने का ये हर किस मतलब नहीं है कि तुमसे छीन लिया गया है, वो इसी घर में रहेगी तुम्हारी नजरों के सामने। पहले तुम खुद को तो संभालने के काबिल हो जाओ, फिर बच्ची को संभाल लेना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा रवैया हम सबके साथ बहुत अजीब सा हो जाता है। आजो। आपकी चाय। हाँ तो अंदर ले आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? आज के बाद मेरे कमरे में कदम मत रखना। तकबीर कहाँ है? वो सो रही है। अच्छा, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? वो ठीक है और ठीक रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए, उसको प्यार देने के लिए, अपने सीने से लगाने के लिए। आपने फिर कहा मेरी बेटी? हमारी बेटी। अच्छा, आप चाय पी के आराम कर लीजिएगा, तकबीर सो रही है, तब तक मैं कपड़े धोऊंगी। ठीक। वलीद, मैं थोड़ी देर तकबीर से मिलना चाह रही थी, क्या मैं उसे देखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो। उसे हाथ मत लगाना, रुकोत में तो बिल्कुल भी मत उठा। बेटी जाग गई तो परेशान होगी। मैं ख्याल रखूंगी, चले रुई।
जाओ उसके पास बैठ जाओ। और हाँ, बहुत ध्यान रखना कहीं वो उठ ना जाए। इसके जागने से पहले मुझे काम खत्म करने हैं। शुक्र है अब सो गई है। शुक्र है मालिक का, तबीयत बहुत बेहतर है। बस मेरी जान जल्दी से बड़ी हो जाओ। हाँ, तो भाग कर दादी आवाज़ देंगी, भागती भी आएगी, कहेगी दीजी दादी जान, है ना? तकबीर, बस अल्लाह खैर से सही सलामत रखे इसको। देखिए ना वलीद, अब कितनी खुश है और कितने सुकून से सो रही है अब दादी जान की गोद में। अल्लाह ताला इसे हमेशा बस यूं ही खुश रखे। सॉरी वलीद, इट्स ओके यार, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो ये सब कुछ क्यों हुआ। क्योंकि तुमने 100% रिकवर नहीं किया हुआ था। रूही, मैंने तुमसे और अम्मी से जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया, कि मैं कभी भी नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी में खुद तुम लोगों से भी ज्यादा प्यार मांगने वाली आ जाएगी। तकबीर मेरी जिंदगी का महवर बन चुकी है, मेरी मोहब्बत बन चुकी है, मेरा सब कुछ बन चुकी है। वलीद, अब क्या मैं वाकई तकबीर को कभी गोद में नहीं ले सकती? ऐसा नहीं है रोही, तुम तकबीर की मां हो, पैदा किया है तुमने उसको। जब मैं एक बाप होते हुए उसका रोना उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो जाहिर है तुम कैसे कर सकोगे। तुम इस वक्त अपना ख्याल रखो रूही, तुमने पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन अभी मजीद मार्जिन है ना। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो जाहिर है तुम ही उसको संभालोगी ना। लेकिन अभी नहीं। वलीद, 7 बज गए। वलीद उठ जाए, 7 बज गए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे आप। Thank you.
तकबीर को देखने के लिए आया था मैं। तुम सो जाओ। तुमने कब जाना है डॉक्टर के पास? लगता है अब जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन दिन में कुछ वक्त निकाल कर एक्सरसाइज जरूर कर लेना। नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? कर रही हूँ। आपने देर हो गई, मैं चलता हूँ। बाय। मेरी प्यारी गुड़िया पहले नहाएगी, फिर प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर पोली लगेगी बहुत पाली। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तकबीर को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं नहला दूँ उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने वलीद ने तकबीर की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। हाँ, लेकिन वलीद को पता नहीं चलेगा कि मैंने नहलाया। पता तो तब भी नहीं चलेगा जब कोई गड़बड़ नहीं हो। पता है इकरा, मैं ना अपने भाई के बच्चों को भी नहलाती थी। मैं उनका ख्याल रखती थी, मैं बच्चा संभाल सकती हूँ। रूही, वो तुम्हारे भाई के बच्चे थे, वलीद के नहीं। I'm sorry, रूही। तकबीर के लिए मुझे पुप्पो जान वलीद को जवाब देना होता है। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती, ना उन्हें परेशान देख सकती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं बहुत आराम से नहलाऊंगी, अब तकबीर को कुछ भी नहीं होगा। क्या चाहती हो तुम? कि वलीद मुझ पर चीखे चिल्लाए जिस तरह वो तुम पर चीखता चिल्लाता है? मुझ पर भरोसा नहीं करे जिस तरह वो तुम पर नहीं करता? उसे एक बात का इशू बनाकर तुम सब क्यों हंसी दे रहे हो मुझे? क्या कर रही हो? फोन में ला रही हूँ वलीद को, अगर वो इजाजत दे दे तो तुम तकबीर को ले जाना। नहीं, रहने दो। मुबारक हो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे दे दो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी बहुत ही प्यारा है। क्यों प्यारा नहीं होगा है, बाप क्या कम प्यारा है इसका। सिस्टर मेरी बेटी तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक। अम्मी अम्मी जरा मुझे तो दे। हाँ ले 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 ले, आराम से आराम से। माशाल्लाह वाकई बहुत ही प्यारा। बासु शफीक, बहन को तो कुछ खबरी सुना दे, उसको तो बताओ कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपकी मेडिसिंस। थैंक यू। तुम्हारी दवाइयाँ? मेरे पास तो दवाइयाँ हैं। तो क्या हो गया अगर एक और ला दी तो?
काफी अरसा खानी है तुमने, चल जाएंगी। फुप्पो जान, वलीद आपको पता है शफीक भाई क्या बेटा हुआ है? क्या? अरे बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन आमीन, तो बहुत खुशखबरी की बात है। तो चले हम हॉस्पिटल से देखने के लिए? जी जी, फौरन फौरन जाना चाहिए। इकरा तुम कपड़े चेंज करके आओ और तकबीर की जरूरी चीजें बैग में रख लो। नहीं पुप्पो जान, तकबीर को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तकबीर बहुत छोटी है और हॉस्पिटल में जर्म्स होते हैं, मेरा ख्याल है उसे नहीं लेके जाना चाहिए। अब मैं हूँ तकबीर के पास, आप लोग चले जाए। नहीं रोहित, तुम कैसे संभाल पाओगी उसे? अच्छा इकरा, तुम हॉस्पिटल से हो आओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। हाय पप्पू जान, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है अपने भतीजे से मिलने का, लेकिन आप बड़ी हैं, आपने भाई को बेटों की तरह समझा है, इसलिए पहले आपका जाना जरूरी है। हाँ ये भी ठीक है, तो चले बेटा हॉस्पिटल, मैंने रास्ते में से मिठाई भी लेनी है। जी जी बिल्कुल, फौरन चलते हैं। मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ, आप आ जाइए। मैं बैग लेकर आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है भाभी। माशाल्लाह, अल्लाह इसे जिंदगी दे, सेहत दे, माँ बाप के लिए नेक साबित, आमीन, आंखों का तारा बना रहे। ये क्या बात की तूने कल? सुन, माँ बाप की आंखों का तारा तो हर बच्चा होता है, ये तो अपनी दादी की आंखों का तारा है पहले से ही। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी आप, तकबीर के बगैर तो मैं अपने आप को अधूरा महसूस करती हूँ। सच कहते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी होती है। बिल्कुल सही कह रही है। बस यहीं से देख लो, बड़ी मुश्किल से चुप हुए। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि याद है जब तकबीर पैदा हुई थी, उसकी भी बिल्कुल ऐसी शक्ल थी। अरे छोटे बच्चे सब ऐसे ही होते हैं, जब पैदा होते हैं एक जैसे होते हैं। मुझे तो बिल्कुल शफीक जैसा लग रहा है, शफीक भी बिल्कुल ऐसा ही था। अम्मी वैसे अगर आपने मेरी बचपन की तस्वीरें बचा कर रखी होती तो आज देखने में कितना मजा आता। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। लो वो तुमसे याद ही नहीं वलीद, चलो बेटा चलते हैं, वो आने के लिए बेचैन हो रही थी इकरा। हाँ भाई हाँ, जाओ तुम जाओ, मेरी बच्ची को भेजो यहाँ। क्यों उठा कर लाई उसे यहाँ? देखो कितनी खुश है, कितनी सुकून से है मेरे पास। वलीद ने तुम्हारे पास देख लिया तो नाराज होंगे, दो इसे। नहीं दूंगी। और क्यों दूं तुम्हें? ये बहुत सुकून से है मेरे, और वलीद इसके रोने से परेशान होते हैं। मेरी गोद में इस चीज से वलीद कभी भी नाराज नहीं होंगे। वलीद की कही हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। बकवास करती हो तुम, वलीद की बात को इशू बनाकर मेरी बच्ची को मुझसे दूर करना चाहती हो, वलीद और मेरे दरमियान जुदाई डालना चाह रही हो तुम। तुम और वलीद आज जितने करीब हो ना, कल उतने भी नहीं। जुर्रत कैसे हुई? तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा है? वो मेरी बच्ची को मुझसे छीन रही थी। और तुम इसे इतनी देर से रुला क्यों रही हो? ये बिल्कुल ठीक थी मेरे पास, मैं इसको फीडर पिला रही थी। ला जा, ये सब इकरा ने तमाशा किया है। वलीद वलीद,
इकरा प्लीज इसे संभाल लो तुम। नहीं बट आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं संभालूंगी। क्या हो गया इकरा? क्या हो गया है, क्यों रो रही है? लो मुझे तो संभालिए। मेरा बच्चे को कहा हो गया? ओले मेरी जान। अच्छा अच्छा चलो बस 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 आ मेरे पास आ। अच्छा अच्छा क्या हो गया बेटा? अच्छा मुझे ओ छो छो नहीं रोते नहीं अमीरा, मुझे तो मैं चुप करूं, तुमसे नहीं समझेगी, नहीं समझेगी तुमसे। आ चलो आ जाओ आ जाओ चलो आ जाओ। मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं करती, कुछ नहीं मांगती। आपने तकबीर को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी और मैंने अपना सुकून आराम भूल कर उसका ख्याल रखा। तुम ठीक कह रही हो और यकीन करो मैं दिल से मानता भी हूं। माँ बच्चे को पैदा करती तो उसे अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत होती, लेकिन जो दिन रात अपना सुकून चैन भुलाकर बच्चे को पालती है, क्या उसे मोहब्बत नहीं होती? मैं मोहब्बत करती हूँ तकबीर से, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और इन मोहब्बतों के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज रूही ने हाथ उठाया मुझ पर, लेकिन मैं तब भी आपका और तकबीर का साथ नहीं छोड़ूंगी। इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद भी मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। वली वली मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वलीद, वलीद सुनो। आओ इधर। वलीद, वलीद क्या कर? वलीद। माफी मांगो उससे। मैंने कहा माफी मांगो। मुझे रूही की माफी नहीं चाहिए। आप दोनों की हस्ती बस्ती दुनिया थी, दिलो जान से एक दूसरे को चाहते थे। और अचानक मैं बीच में आ गई मैं रूही की जहनी कैफियत समझ सकती हूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सब किस्मत में लिखा था। वलीद मेरे शौहर होते हुए भी मेरे नहीं, अपने घर का ख्वाब, एक खुशगवार जिंदगी का ख्वाब जाने के बावजूद भी मैं नहीं देख सकती। लेकिन मुझे आप दोनों बल्कि किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा, इसलिए मुझे ही बर्दाश्त करना।
रोहित तुम प्लीज रो मत। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज भाई मुझे माफ कर दो, प्लीज।